और डीएनए के अंत में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1908 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता जगजीवन राम का जन्म हुआ। जगजीवन राम 1977 से 1979 तक भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे। जगजीवन राम भारत में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनका कार्यकाल 30 वर्षों का था। श्रम मंत्री रहते हुए उन्होंने कई ऐसे कानून बनाए जो भारत के इतिहास में मजदूरों और कर्मचारियों के हित की दिशा में मील का पत्थर माने जाते हैं। 1957 में आज ही के दिन केरल की पहली विधानसभा का गठन हुआ था। इस विधानसभा में 127 सदस्य थे। 1956 में त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार के हिस्से को जोड़ते हुए केरल राज्य बना था। 1957 में वहां पहला मतदान हुआ, जिसके बाद केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई। तब ईएमएस नबुद्रीपाद केरल के पहले मुख्यमंत्री बने थे। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का डीएनए टेस्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।